नमस्कार दोस्तों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है बच्चों, वो है समावेशी शिक्षा के लाभ, मॉडल और समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। तो देखो, सबसे पहले हमने जो पिछले वीडियो में देखा था कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्या है, समावेशी शिक्षा से क्या क्या लाभ है और समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे समावेशी शिक्षा के मॉडल। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था बच्चों कि समावेशी शिक्षा क्या होती है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है बच्चों, हर तरह हर प्रकार की एक ही कक्षा में एक ही विद्यालय में शिक्षा प्रदान करना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। हर प्रकार के बच्चे को, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो, चाहे वो विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो, हर प्रकार के बच्चे को एक ही कक्षा में एक ही विद्यालय में शिक्षक के द्वारा, विशेष प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा अगर अध्यापन करवाया जा रहा है तो उसको बच्चों समावेशी शिक्षा कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि समावेशी शिक्षा के लाभ क्या है। वो लाभ हमने एक जगह पढ़े थे क्या, कि कम खर्चा होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है, बच्चा आत्मनिर्भर बनता है, बालक का सर्वांगीण विकास होता है, इसके अलावा बालक में परोपकार की भावना, सहानुभूति, दया, प्रेम, स्नेह आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है, समायोजन की समस्या दूर होती है, बच्चे में कुंठा और जो द्वंद्व की स्थिति है वो दूर होती है, माता पिता की कम आवश्यकता पड़ती है, माता पिता पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ता है। कौन सी शिक्षा के कारण बच्चों? समावेशी शिक्षा के कारण। आज हम समावेशी शिक्षा बच्चों, जो सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है समावेशी शिक्षा के से, जिनको लाभ होता है उनको हम चार भागों में बांट सकते हैं। समावेशी शिक्षा में लाभ होता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को, इसके अलावा सामान्य बालकों को, इसके अलावा अध्यापकों को और इसके अलावा अभिभावकों को। तो चार को समावेशी शिक्षा का लाभ मिलता है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को, सामान्य बालकों को, अध्यापकों को और अभिभावकों को। अब आप देखो कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को फायदा कैसे मिलता है। देखो बच्चों, अगर विशिष्ट आवश्यकता, मान लो कोई दृष्टि बाधित बच्चा है, अगर उसको विशिष्ट कक्षा में बिठा दिया जाए तो वो उन्हीं बच्चों के साथ बैठता है, वो सामान्य बालकों के साथ जो उसका अभिवृत्ति है वो उसका विकास नहीं कर पाता, ना ही उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो पाता है, ना ही उसमें सामाजिक गुणों का विकास हो पाता है, ना ही एक लघु समाज अपने आसपास बना पाता है, ना ही अपने जीवन के लक्ष्यों का निर्धारण कर पाता है। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को अगर समावेशी शिक्षा दी जाती है बच्चों, तो एक तो वो अपना संपूर्ण विकास कर पाएगा, एक वो समायोजन स्थापित कर पाएगा, उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होगी और विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति जो स्कूल का नकारात्मक रवैया है वो भी धीरे धीरे सकारात्मक होगा, अभिभावकों का, समाज का दृष्टिकोण भी इन विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के प्रति अच्छा होगा, सकारात्मक होगा। तो इस दृष्टि से देखें तो समावेशी शिक्षा का मेन जो लाभ मिल रहा है वो मिल रहा है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को। तो इसमें मैंने क्या बताया, उनकी अभिवृत्ति में परिवर्तन होता है, वो अपने व्यक्तित्व का क्या कर पाते हैं, विकास कर पाते हैं, उनमें सामाजिक गुणों का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है, सामाजिक गुणों का विकास कर पाते हैं, अपनी अभिवृत्ति में परिवर्तन कर पाते हैं, अपने जीवन लक्ष्यों को निर्धारित कर पाते हैं और समाज का जो दृष्टिकोण है उसको बदल पाते हैं, शिक्षकों के रवैये को बदल पाते हैं, विद्यालय के नज़रिए को वो बदल पाते हैं। उसके बाद आता है बच्चों सामान्य बालक। देखो, सामान्य बालक को भी समावेशी शिक्षा से फायदा मिलता है। एक तो बच्चे में दया की भावना डेवलप होती है, कौन सी भावना, दया की भावना डेवलप होती है, सहयोग की भावना डेवलप होती है, परोपकार की भावना डेवलप होती है,
समानता की भावना डेवलप होती है। इस प्रकार मतलब पता चलता है सामाजिक समायोजन समायोजन स्थापित करने की भावना पैदा होती है, वो अपने व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास कर पाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य बालकों को भी फायदा मिलता है, क्या वो समायोजन कर पाते हैं, उनमें दया की भावना पैदा होती है, सहयोग की भावना पैदा होती है और पता चलता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले भी सामान्य बालकों की तरह ही है, तो उनमें समानता के सिद्धांत समानता की भावना पैदा होती है। इसके अलावा परोपकार की भावना भी उसके अंदर आती है और भेदभाव की जो नीति थी वो इस बात को समझ पाता है कि हर बच्चे में व्यक्ति भिन्नता होती है लेकिन हर बच्चे में गुण और कौशल भी होता है। हर बच्चे का गुण अलग होता है, हर बच्चे की कौशल अभिवृत्ति अलग होती है, हर बच्चे की अभिरुचि अलग अलग होती है, वो ये समझ पाता है। अब आता है अध्यापक, अध्यापक को क्या बेनिफिट है। देखो, एक अध्यापक जब विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक और सामान्य बालकों को जब एक साथ पढ़ाता है तो क्या करता है, विभिन्न टेक्निक्स का यूज करता है, नवीन तकनीकी विधियों का उपयोग करता है, तो वो धीरे 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 उन चीजों में पारंगत हो जाता है। एक शिक्षकों के रवैये में क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो परंपरागत तरीकों को छोड़कर गैर परंपरागत टेक्निक की सहायता से बच्चों को पढ़ाने लग जाता है, तो उसमें एक प्रशिक्षण निरीक्षण आदि गुणों का विकास हो जाता है। तो जो आपका अध्यापक है उसको भी इसका बेनिफिट मिलता है, उसके रवैये में परिवर्तन आता है, वो देख पाता है कि हर प्रकार के बच्चे में क्वालिटी है, उसकी निरीक्षण क्षमता का विकास होता है। फिर आता है बच्चों अभिभावक। देखो, अभिभावक माता पिता, माता पिता का समावेशी शिक्षा में सबसे ज़्यादा फायदा उन माँ बाप को मिलता है जिनके बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं। अगर विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सामान्य विद्यालयों में पढ़ाया जाता है तो एक खर्चे में क्या आती है बच्चों, कमी आती है, माता पिता का उस बच्चे के प्रति लगाव पैदा होती है, माता पिता का बच्चे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है जिससे बच्चे में हीन भावना का विकास नहीं हो पाता है। तो अभिभावकों को भी समावेशी शिक्षा का लाभ मिलता है बच्चों। तो आपने समझा समावेशी शिक्षा का फायदा किनको मिलता है, चार को मिलता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को, सामान्य बालकों को, अध्यापकों को और अभिभावकों को। अब आता है बच्चा समावेशी शिक्षा किन मॉडल पर काम करता है। समावेशी शिक्षा बच्चों चार मॉडल पर काम करती है, मतलब चार सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत चार मॉडल निर्धारित किए गए बच्चों। पहला है सांख्यिकी मॉडल, दूसरा है मौखिक मॉडल, तीसरा है सांस्कृतिक मॉडल और चौथा है बच्चों मनोसामाजिक मॉडल। देखो बच्चों, सबसे पहला आता है सांख्यिकी मॉडल। सांख्यिकी मॉडल क्या है, सांख्यिकी मॉडल का मतलब बच्चों ये है व्यक्तिगत भिन्नताओं, किसको ध्यान में रखा जाता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है, व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखा जाता है। मैंने पिछले वीडियो में कई बार आपको बताया है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों को, मानसिक रूप से विमंडित बालकों, संवेगात्मक रूप से पिछड़े हुए बालकों, मानसिक रूप से पिछड़े हुए बालकों, सीखने की क्षमता से पिछड़े हुए बालकों, भाषाई अक्षमता वाले बालकों, लिखने की अक्षमता वाले बालकों, सभी बालकों को एक जगह शिक्षा दी जाती है। इसका मतलब है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अध्यापकों को पहले से ही बताया जाता है कि हर बच्चा अलग है और उन व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते ही एजुकेशन की जानी चाहिए। तो सांख्यिकी मॉडल मतलब है व्यक्तिगत भिन्नता पर आधारित होकर समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। उसके बाद आता है बच्चों मौखिक। आपको पता है कई बच्चे हकलाते हैं, किसी का स्वर यंत्र कमजोर होता है,
मौखिक उच्चारण नहीं कर पाते, मौखिक उच्चारण नहीं कर पाते हैं, भाषाई अक्षमता होती है। क्या होती है बच्चों? भाषाई अक्षमता होती है। पता है कोई स्वर का उच्चारण ही नहीं कर पाता, कई बच्चे समान वर्णों का उच्चारण नहीं कर पाते, कुछ बच्चे कुछ शब्दों को हमेशा ही गलत बोलते हैं तो हकलाते हैं बोलने में, संप्रेषण कौशल उनमें बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे बालकों को ध्यान में रखते हुए ही समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। तीसरा है बच्चों सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का मतलब यहाँ पर क्या है? सामाजिक विविधता, सामाजिक गतिविधियां, सामाजिक सोच, सामाजिक कार्यक्रम, अधिगम कौशल, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भी समावेशी शिक्षा दी जाती है। फिर है बच्चों मनोसामाजिक मॉडल। अब आपको यहाँ पर पता है संवेगात्मक बालक, कौन से बच्चे आते हैं बच्चों? संवेगात्मक बालक। संवेगात्मक में कई बच्चे क्रोधी होते हैं, कई बच्चे डरपोक होते हैं, कई बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, ठीक है, क्रोधी भी होते हैं, डरपोक भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के बच्चे जो है हमारे समाज में पाए जाते हैं। तो इन सब चार चीजों को देख करके समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है। तो समझ में आया समावेशी शिक्षा के कितने मॉडल है बच्चों? चार मॉडल है। पहला मॉडल सांख्यिकी, दूसरा मॉडल मौखिक, तीसरा सांस्कृतिक, चौथा मनो सामाजिक। सांख्यिकी में व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखा जाता है, मौखिक में भाषाई हकलाना, स्वयंत्र का कमजोर होना, मौखिक उच्चारण नहीं कर पाना, इनका ध्यान रखा जाता है। सांस्कृतिक मॉडल में मनुष्य के दैनिक क्रियाकलापों को, किस प्रकार पेंसिल को पकड़ रहा है, किस प्रकार चल रहा है, किस प्रकार उठ रहा है, किस प्रकार के कपड़े पहन रहा है बच्चा, किस प्रकार का आदर व सम्मान बच्चा कर पा रहा है, कौन कौन से उसमें सामाजिक गुण है, कौन कौन से उसमें सामाजिक अवगुण है, उसकी अधिगम कौशल क्षमता कैसी है, इन सब चीजों को सांस्कृतिक मॉडल में देखा जाता है। फिर आता है बच्चों मनोसामाजिक मॉडल। मनोसामाजिक मॉडल का मतलब यहाँ पर है संवेगात्मक रूप से अस्थिर बालक। आपको पता है कई बच्चे बाल अपराधी बन जाते हैं, कई बच्चे बहुत डरपोक होते हैं, कई बच्चे बहुत गुस्से वाले होते हैं, कई बच्चे चिड़चिड़े होते हैं, कई बच्चे जहाँ पर बैठना है वहीं पर बैठ सकते हैं, वो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, कई बच्चे होमवर्क करके नहीं लाते हैं। तो इन सब मॉडल्स पर आधारित होकर ही समावेशी शिक्षा का निर्माण किया गया है। समावेशी शिक्षा में पाठ्यक्रम को निर्धारित किया गया है। तो समावेशी शिक्षा के बच्चों ये चार मॉडल है, इनको आपको ध्यान में रखना है। अब आता है बच्चों समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। आपको पता है एक विद्यालय में सबसे ज्यादा जो रोल अदा करता है बच्चों वो शिक्षक ही करता है। अगर शिक्षक अच्छा है, उसका अधिगम कौशल अच्छा है, उसकी विशिष्ट प्रशिक्षण उसको प्राप्त है, तो वो विद्यालय अच्छा होगा, उसके विद्यार्थी बहुत अच्छा सीख पाते हैं। और एक अध्यापक छात्र की विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए अपने अनुभवों का उपयोग करके अच्छा शिक्षण कार्य कर सकता है। तो समावेशी शिक्षा को अगर आगे तक लेकर जाना है तो इसमें शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है बच्चों। पहला है अधिगम सामग्री का उपयोग। देखो बच्चों, पहले भी मैंने आपको बताया है हर प्रकार का बच्चा अलग होता है, कोई देख नहीं पाता है, कोई सुन नहीं पाता है, कोई चल नहीं पाता है। तो यहाँ पर यह है कि अगर कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, तो इनको दिखाने के लिए और इनको सुनाने के लिए विशेष टेक्निक्स की आवश्यकता होती है। जैसे आपको लग रहा है कि कोई बच्चा ढंग से सुन नहीं पा रहा है तो उसको आगे वाली रो में लिखेंगे, आप जब शाम पट पर लिख रहे होंगे तो थोड़ा मोटा लिखेंगे, आपको पता है कि कोई बच्चा सुन नहीं पा रहा है तो थोड़ा जोर से बोलेंगे, आपको पता है कोई बच्चा उठ नहीं पा रहा है, उसको उठने में कठिनाई है,
तो किसी का सहयोग प्रदान करेंगे। अगर आपको पता है कि बच्चा किसी कार्य को कर नहीं पा रहा है तो उसमें उसको सहयोग प्रदान करना। अगर कोई बच्चा विभिन्न ऐसी तकनीकों का यूज़ करना ताकि विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता होते हुए भी बच्चा अच्छा कर पाए, इसके लिए है आपका अधिगम सामग्री का उपयोग। अगर टीचर द्वारा अच्छी अधिगम सामग्री का उपयोग किया जाता है तो समावेशी शिक्षा का सपना साकार हो सकता है। दूसरा है भौतिक वातावरण का निर्माण। अब आपको पता है कि एक बच्चा है कि वो सीढ़ियां चढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, तो आप क्या करेंगे, स्लैब का क्या करवाएंगे, निर्माण करवाएंगे या उस कक्षा को नीचे जो आपका ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर उस कक्षा को शिफ्ट कर देंगे। आपको पता है शोर शराबा जो है वो विद्यालय में नहीं होना चाहिए। विद्यालय के वातावरण को कैसा रखा जाना चाहिए, शुद्ध रखा जाना चाहिए। आप भौतिक वातावरण का मतलब यही है कि स्कूल में सभी साधन टाइम पर उपलब्ध होने चाहिए। कोई बच्चा ढंग से देख नहीं पा रहा है तो प्रोजेक्टर की सहायता लेनी चाहिए, मॉडल का यूज़ किया जाना चाहिए, इसके अलावा पारदर्शक का यूज करना चाहिए, फिल्म स्लाइड्स का उपयोग करना चाहिए, टैप रिकॉर्ड का यूज़ किया जाना चाहिए। इसके अलावा भी कई ऐसे मॉडल्स हैं, नमूना है, मानचित्र है, ग्लोब है, इन मॉडल्स की सहायता से भी बच्चे को शिक्षक अच्छा अधिगम करवा सकता है। आपको पता है कई बच्चे ढंग से सीख नहीं पाते हैं, धीरे धीरे सीखते हैं, तो उन बच्चों को ऐसी टेक्निक से सिखाना ताकि बच्चा अच्छे से अधिगम कर पाए, और उन बालकों के लिए जो प्रतिभाशाली है उनको भी वो आकर्षक कर सके और उनमें कुछ ऐसी चीज़ें देख सके जो मंद बुद्धि बालक नहीं देख पा रहा है। मंद बुद्धि बालक उस मॉडल को, उस पारदर्शक को, टीवी में देखी हुई चीज को कहानी के माध्यम से, इसके अलावा नाटक के माध्यम से, किसी भी तरह से बालक को समझाना सिखाना ये सब शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। और बच्चे को स्कूल में भौतिक वातावरण मिले, हर बच्चे को खेलने का मैदान मिलना चाहिए, खाली जगह मिलनी चाहिए, हर बच्चे को लंच करने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, खेलकूद का मैदान बहुत बड़ा होना चाहिए, जगह जगह पर पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, शुद्ध और साफ सुथरा वातावरण होना चाहिए ताकि बच्चा अच्छा अधिगम कर पाता है। कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, ताकि भौतिक कुर्सियाँ प्रॉपर होनी चाहिए, टेबल्स प्रॉपर जगह पर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें अगर विद्यालय में है तो समावेशी शिक्षा का सपना साकार हो सकता है। उसका बाद आता है सरल प्रबंधन तकनीक को अपनाना। आपका मतलब है कई बच्चे धीरे सीखते हैं, कई बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो कक्षा में इस तरह का माहौल बनाना ताकि जो जल्दी सीख रहे हैं और जो कम सीख रहे हैं उनमें एक समन्वय बना रहे, सामंजस्य बना रहे और व्यक्तिक भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता और क्षमता का विकास कर सके, तो छात्रों को सरल प्रबंधन तकनीक को अपनाया जाना चाहिए। छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का मौका। आपको पता है क्लास में मॉनिटर वन, मॉनिटर सेकंड बनाया जाता है तो बच्चे में नेतृत्व कौशल का विकास होता है, लीडरशिप का विकास होता है, तो कई बार बच्चे को टीचर बनाया जाना चाहिए ताकि उसको ये पता चलना चाहिए कि किस तरह से एक टीचर के द्वारा बच्चे को पढ़ाया जाता है, किन किन प्रॉब्लम्स को उसको फेस करनी होती है, तो वो भी समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर सकता है। खेलों का आयोजन, अगर आप समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक और सामान्य बालक को एक साथ खेलों का आयोजन करवाएंगे, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता है, इसके अलावा शिक्षक जो है विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित करवाता है, संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करवाता है, ताकि क्या हो, बच्चों में समायोजन की भावना विकसित हो सके, सामाजिक कौशल का विकास हो सके। इसके बाद आता है समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम्स स्कूल में करवाए जाते हैं टीचर के द्वारा, बच्चों की उसके लिए तैयारी की जाती है, जो आपका बच्चा म्यूज़िक में अच्छा है उसको म्यूज़िक सिखाया जाता है, जो बच्चा डांस में अच्छा है उसको डांस सिखाया जाता है, जो वाद विवाद में अच्छा है टीचर के द्वारा उसको वाद विवाद प्रतियोगिता के लिए तैयार किया जाता है, कोई बच्चा चित्रकला में अच्छा है तो उस बच्चे को चित्रकला कौशल का
कौशल को आगे बढ़ाने का कार्य शिक्षक के द्वारा किया जाता है। तो शिक्षक जो है समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, और जब आपको पता है जब ये कार्यक्रम होंगे, माता पिता आएंगे, एक अभिभावक दूसरे अभिभावकों से मिलेंगे, तो बच्चे में समुदाय की भावना विकसित होगी। उसके बाद आता है अभिभावकों का सहयोग लेना। मैंने आपको बताया जब स्कूल में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, खेलों का आयोजन होगा, तो अभिभावकों का भी सहयोग इसमें मिलेगा। इसमें आपको पता है कि जब टीचर के बच्चे से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो पेरेंट्स के साथ मीटिंग करता है और अभिभावकों का सहयोग लेता है कि बच्चा जो है नेगेटिव मेंटलिटी, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ जा रहा है, तो हमें इसका उपाय कैसे किया जाएगा। वो अभिभावकों से समस्या पूछता है, अभिभावक को समस्या बताता है, दोनों अपने एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और बच्चे की समस्या का निराकरण का प्रयास करते हैं। तो शिक्षक की भूमिका है कि वो अभिभावकों का सहयोग लेकर बालक की समस्या का निराकरण करता है। उसके बाद आता है बच्चों एक शिक्षा एक सहयोग। आपको पता है एक बच्चा एक टीचर क्लास में विभिन्न योग्यता वाले बालकों को पढ़ा रहा है तो समावेशी शिक्षा के सपने को साकार कर रहा है, स्थिर रहने शिक्षा। अब आप मान रहे होंगे कि एक क्लास में जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो वो स्थिर अवस्था में है, लेकिन उस क्लास में कौन बच्चा ध्यान दे रहा है, किस बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिख रहा है, किस बच्चे की एक्टिविटी कौन सी है, कौन सा बच्चा सीख पा रहा है, किसकी अधिगम क्षमता नहीं है, किसमें भाषाई अक्षमता विद्यमान है, वो एक घूर्णन घूमने वाला वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने वाला जो भ्रमणशील शिक्षक जिसे हम कहते हैं वो होता है इसमें। कौन सी शिक्षा में? समावेशी शिक्षा में, जिसके कारण वो बालक का ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। बालक के ऑब्जर्वेशन के बाद ही उसमें जो अकुशलता है उसको कुशलता में बदला जाता है। इसके बाद आता है बच्चों वैकल्पिक शिक्षा। वैकल्पिक शिक्षा का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि बच्चे को केवल पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाया जाता है, बच्चे को इस प्रकार की व्यावसायिक शिक्षा देना ताकि आगे आने वाले में जीविकोपार्जन का साधन बन सके, अपना जीवन यापन कर सके। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शिक्षक न केवल पाठ्यक्रम की जानकारी देता है बल्कि व्यावसायिक कोर्स, व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। तो ये शिक्षक की भूमिका है कि वैकल्पिक शिक्षा को आगे बढ़ाने का बीड़ा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक शिक्षक उठा पा रहा है। फिर है बच्चों समानांतर शिक्षा। समानांतर शिक्षा का मतलब यही है कि समानता की भावना के सिद्धांत पर आधारित होकर शिक्षक जो है विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों को एक साथ पढ़ा रहा है। फिर आता है बच्चों किताबों व गीतों का आदान प्रदान। अब आपको पता है कि जब बच्चा क्या करता है, जब बच्चा शिक्षक के मार्गदर्शन में पढ़ता है, पढ़ाई कर रहा है बच्चा, तो वो क्या करता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की इसमें क्या मिल जाती है, बच्चों को सुविधा मिल जाती है। तो ये सब क्या है बच्चों, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। पहला है अधिगम सामग्री का प्रयोग। बच्चे को सिखाने के लिए अध्यापक के द्वारा मॉडल, किस किस का यूज किया जाता है, मॉडल, चित्र, नमूना, मानचित्र, टीवी, टैप रिकॉर्डर, फिल्म स्लाइड्स, प्रोजेक्टर, इन सब का यूज करता है ताकि वो इन शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करके बालक को अच्छे से अच्छा अधिगम करवा सके। और इनका यूज कौन कर सकता है, एक शिक्षक ही कर सकता है। तो समावेशी शिक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए इन अधिगम सामग्री का प्रयोग करके अच्छा अधिगम प्रदान करने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा है
भौतिक वातावरण का निर्माण, बच्चा आपका स्कूल का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा है या नहीं, स्कूल साफ सुथरी है या नहीं है, कोई बच्चा चढ़ नहीं पा रहा है तो वहाँ पर स्लिप की व्यवस्था होनी चाहिए और वो कक्षा नीचे की तरफ ट्रांसफ़र होनी चाहिए। इसके अलावा खेल के मैदान खुला होना चाहिए, पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, तो ये सब वातावरण जो है साफ सुथरा होना चाहिए ताकि अधिगम अच्छा हो सके। इसके अलावा आता है बच्चों क्या, सरल प्रबंधन तकनीक को अपनाना। चौथा है छात्रों को शिक्षक की भूमिका निभाने का मौका, खेलों का आयोजन, समुदाय की भावना बढ़ाने के लिए कार्यक्रम, अभिभावकों का सहयोग लेना, एक शिक्षा एक सहयोग, स्थिर व घूर्णन शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, समानांतर शिक्षा, किताबों व गीतों का आदान प्रदान और विशेष प्रशिक्षित शिक्षकों की सेवाएं लेना। तो आपने यहाँ पर क्या देखा बच्चों, यहाँ पर आपने समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका देखी। तो आज हमने समावेशी शिक्षा के लाभ, जिसमें चार को लाभ प्राप्त होता है, विशेष आवश्यकता वाले बालकों को, सामान्य बालकों को, अध्यापकों को और अभिभावकों को। इसके अलावा हमने समावेशी शिक्षा के चार मॉडल पढ़े, सांख्यिकी मॉडल, मौखिक मॉडल, सांस्कृतिक मॉडल और मनोसामाजिक मॉडल, और इसके अलावा समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका। अब बच्चों एक चीज और आती है कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किन किन बालकों को शामिल किया जा सकता है, किन किन बालकों को समावेशी शिक्षा में शामिल किया जाता है। तो देखो बच्चों, समावेशी शिक्षा में किन किन बालकों को शामिल किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सबसे पहले तो होते हैं आपके सामान्य बालक, होते हैं नहीं होते, वो तो होते ही, समावेशी शिक्षा में शामिल बालक देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक, शारीरिक विकलांगता वाले बालक, वाणी अक्षमता वाले बालक, इसके अलावा और कौन से होते हैं, मानसिक रूप से पिछड़े होते हैं, शारीरिक रूप से पिछड़े होते हैं, वाणी अक्षमता वाले बालक होते हैं, इसके अलावा लिखने की अक्षमता वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक, असमर्थी बालक। इन सब बालकों को बच्चों समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किन किन को, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों को, शारीरिक विकलांगता से पीड़ित बच्चों को। शारीरिक विकलांगता में बच्चे चार टाइप आ जाते हैं, कितने टाइप आ जाते हैं, चार। कौन कौन से, दृष्टि, श्वर्ण, वाक और अस्थि। शारीरिक विकलांगता में दृष्टि बाधित, स्वर्ण बाधित, वाक बाधित और अस्थि बाधित, ये चार टाइप आ जाते हैं। वाणी अक्षमता वाले बालक, लिखने की अक्षमता वाले बालक, विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक और असमर्थी बालक। इन सब बालकों को एक ही छत के नीचे, एक ही विद्यालय में, एक ही प्रकार की शिक्षा, एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाया जाता है और उनको शिक्षा प्रदान की जाती है। तो आज आपने बच्चों समावेशी शिक्षा के लाभ, समावेशी शिक्षा के मॉडल और समावेशी शिक्षा में शिक्षक की भूमिका और समावेशी शिक्षा में किन किन बालकों को शामिल किया जाता है। जो अब नेक्स्ट वीडियो आने वाला है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा का इतिहास और पृष्ठभूमि। वो नेक्स्ट वीडियो में हम बच्चों देखेंगे।
देखेंगे। आज हमने जो पढ़ा उसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उसको समझिए और समावेशी शिक्षा में शिक्षक की जो भूमिका के जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उनमें आप किन किन पॉइंट्स को ऐड कर सकते हैं ये आज आप देखेंगे, रेफरेंसेस बुकों का सहारा लेंगे। आप चाहते हैं मैं इसी तरह से आपके लिए वीडियो बनाती रहूं तो नव भारती स्टडी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। बच्चों धन्यवाद।